बात कर रही है तो? राजू चौक से वो जाली से लेके आ रहा थे पिता। हेलो दोस्तों, कोहली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बैठे से 12 बजे करीब उठे हैं। फिलहाल तो ये दवाई भी खत्म हो गई, आज दवाई भी खत्म हो गई और बाहर खाने जाना कुछ इस प्रकार है। हल्द्वानी की नगरी है या प्यारी सी हल्द्वानी की नगरी है, प्यारी सी हल्द्वानी नगरी या हमारा घर कमरा। और फिलहाल तो दवाई भी खत्म हो गई, आज जुकाम वुकाम पूरा ठीक हो गया। आपको आज का प्यारा सा तबीयत बिल्कुल मस्त हो गई है, मस्त तरीके से। चलो फिर बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप। दोस्तों बाहर भी कोहरा टाइप का लग रखा था, अभी तो एक गेट लॉक हो रखा है। ए बाहर की नगरी ठंड हो रही, बहुत ही हो रही। हम तो ये रही, यहाँ मम्मी लोगों ने आग जला रखी है, तो सब जगह लगा रखी है, बाहर तो लगा ही रखी थी। यहाँ पे प्यारी सी नगरी है भाई, काँप रहा है, मम्मी भी ताप रही है। हाथ फिलहाल तो ये कूड़ा फेंकते हैं हम डस्टबिन। ओ माय गॉड, डंडा आइसक्रीम। अरे अरे, इसका तो बेसब्री से प्यारा प्यारा सा हाथ ऐसा। 12 बजे उठाऊँ, 12-1 बजे उठाऊँ तो गर्मी लगेगी। दौड़ने गया तो ठंड लगे दौड़, दौड़ने नहीं गया। कहाँ हाँ यार, वो सुबह के टाइम आँखी ना खुली मेरी, रात में वो साइड से आया ना अरे मम्मी यार के लिए। आज दौड़ने नहीं दौड़ गया थी ना था। मेरी, MBBG कॉलेज है तो उधर गया तो नहीं मैं। 6 बजे उठा तो था मैं, मौसम भी गला, फिर मेरी मतलब पैरों में दर्द होने लगा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, रात में क्या जाते ये कह तुमने। दिया भाई। ठीक है, ऐसा दौड़ MBBG कॉलेज में था, स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में एक युवा उसकी दौड़ लगा रखी थी। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रखा था मैंने, मगर सुबह के टाइम हाथ तो खुली मगर पैर नहीं खुली। रात को चल के आया था उसमें वहां लात मत मार दियो, क्या? मैं लात मत मार दियो, भरोसा अरे क्यों मारूंगा मैं, लैस नहीं आया तेरा। पगड़ घुटना हूँ मैं, घोड़ा घुटना हूँ, गदा तो नहीं हूँ क्या? हमेशा मेरे मुंह पे ये बात ही आती है, ऐसा बिल्ला रानी कहा बिल्ला रानी है। जीतर चलना पड़ता तो शादी करता रहता है, जीतर मत कर, गर्म गर्म लगा दूंगा ये चिमटा। ये चिमटा ऊपर रखा हुआ था ना, ऊपर से दे देते, हमेशा मेरी तरफ ही आती है। उठ जाना वहां से, खड़े होके तापना पड़ेगा आज प्यारे से दुआ। ये है प्यारी सी, क्या आप भी जल गई वैसे? पापा तो पूरी निकाली थी लग रही। वेला वेला से चलाई, पर बस रहने, ज़्यादा जलाएगा ना वो जल्दी जल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ बैठे भाई और ये मस्तगी से लकड़ी का प्यारा सा आनंद ले रहे हैं। ये सब कुछ गर्म होना चाहिए, आग का बोलते हैं, लकड़ी का आग का आनंद ले रहे हैं। हाथ आती है मात आती है हाथ, और कुछ भी ताती। तुम्हारा लकड़ी का आनंद ले रहा हूँ, शरीर ताती शरीर, आग का बोलते हैं, आग का आनंद ले रहे हैं। माता जी कह रही है, हम यही कह रहे हैं भैया। कुर्सी में बैठो तो मुंह पर धुआं आने लगता, खड़े रहते सब बता रहेगा। और ये भी देखना चप्पल जल ना जाएगा, तो कल वहाँ पे खड़ा था मैं हल्का सा, वहाँ पे भी लग रही थी ना मम्मी ज्यादा मम्मी पोती के मेले में, वहाँ पे भी लकड़ी लग रही थी, इतनी बड़ी सी लकड़ी लग रही थी। आया है वीडियो में देखने को मिलेगा, नहीं देखा तो देख लेना, लिंक और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूँगा, आई बटन में भी दे दूँगा। और यहाँ पर लकड़ी का, वहाँ पे भी इतनी बड़ी लकड़ी लग रही थी, मैं उसके पास खड़ा रहा, जूते में हल्का सा छेद टाइप हो गया। यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रखा है अंदर की साइड, मतलब ये लकड़ी का, और बाहर की साइड दिखा रहा हूँ मैं आपको। बाहर की साइड हल्द्वानी नगरी में ऐसा हो रखा है, चारों तरफ अभी भी हल्का फुल्का कोहरा है, ठंडा ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। कोहरा वगैरह तो ठीक नहीं हो रखा, और ठंडी हवा चलेगी। पीछे की साइड मम्मी बैठ रखी है कुर्सी में, और हवा ये मुँह से पता चल रहा है, मतलब मुँह से हवा आ रही है ना, क्या नाम है ये उबासी टाइप की, हवा गर्म देती तो ठंडा होता तो ऐसी मुँह से हवा निकलती है बस तरीके की। कोहरा ही निकल रहा हूँ मैं तो सोचता कोहरा यहीं से निकलता लग रहा है, मुँह से निकले सीधे आसमान में फैली। लनी की नगरी में ऐसा हो रहा है,
आपकी नगरी में क्या हो रहा है बताना जरूर, लिंक पे सॉरी कमेंट में बताना जरूर आपकी नगरी में क्या हो रहा है। हमारी नगरी में तो ऐसे ही हो रहा है भाई, हल्द्वानी सिटी हल्द्वानी ब्लॉक में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नज़ारा है। बिल्लू हमारा है ना, सर्दी में पहली बार हमने ये प्यारी सी लकड़ी जलाई है ठंड से बचने के लिए। अब पापा बैठे हुए हैं टोपी लगा के, नहीं भी ठंडा लग रहा है, पैर में मुझे पहन के, मम्मी ने भी जूते मुझे सब पहन के, ये देखो मम्मी ने कम्बल सही थी। परसों वहाँ पर गया ना मैं, ये ना मैं कोतिक पहले में ये साला 300 रुपये का मैंने हाथ धोगी, और देखो मैंने कहा था ना बिल्लू आ गया, ये देखो ऑरेंज कलर का बाहुबली, और बाहुबली ये भी ताप रहा शायद, इसे भी तो सर्दी लगती है ठंडा लगता। ऊपर वाला दरवाजा खोल दिया, अच्छा ऊपर वाला दरवाजा भी खोल दिया ताकि यहाँ का धुआँ ऊपर से निकल दे बाहर को निकल जाए। दोस्तों यहाँ पर का प्यारा सा अंगीठी पे लगा रखी है, इसे देख के याद आ रहा है 12 तारीख है ना, 12 तारीख में वो होता है ना जो होता है सरदार जी उनका वो होता है एक जयंती होती है, क्या होता है लोहड़ी, लोहड़ी लोहड़ी होता है वो है यहाँ पर हल्द्वानी में सकुंतला वो होटल में, कितने बजे से 12 बजे से या 5 बजे से ध्यान दे, देख के बताना पड़ेगा। चलो फिलहाल इस प्यारी सी अंगीठी में जो लग रखी है प्यारी सी अंगीठी के हाथ मस्त तरीके से देखते हैं क्या हुआ कुजू, कुजू दाल बेचे जरा बिल्ली में तो गला हो गला फाड़ दे पर लगा उसको कुजू किससे बात कर रही है तू, तेरा तो चल चल तू जाली से लेके आ रहा थे पिता ने बिल्ली को उठाओ उसको दूर, ओए रहने दे ओए बिल्ली का बच्चे को पकड़ने का भाई काम तो शुरू है ये क्या है, बाहुबली को पकड़ने के लिए जाल लेकर। दोस्तों फिलहाल तो हम यहाँ पे प्यारे तरीके से छत पे आ गए, छत का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, चारों तरफ हल्की हल्का कोहरा बढ़ रहा है, 5:30 अभी 5:30 टाइम हो रहा है तो हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है, और इस पेज पे हमारा प्यारा सा छत इतना प्यारा है जो किसी का नहीं है हमारा है। चारों तरफ हल्की हल्की ओस मतलब कोहरा टाइप का लगने लग गया है, फिलहाल देखो वहाँ सामने के पहाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। दोस्तों अंगेठी यहाँ पे प्यारे से 6 बज गए हैं, 6 बज गए होंगे, और यहाँ पर अंगेठी थोड़ी शांत हो रखी है, और ये आज का प्यारा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो अंगेठी वाला तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए लाइक करना, मिलते हैं हम आपको अनदर प्यारे से ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।